इंसान को, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, हर गांव के बाहर हमारे सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, मुस्लिमों की जान इतनी सस्ती क्यों है, मुस्लिमों की जान इतनी सस्ती क्यों है, मुस्लिमों की जान इतनी सस्ती क्यों है, अछूत कह के, अछूत कह के सदियों से छूट कह के सदियों से मार दिया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, पानी के लिए गांव में हम रोज ही पीटे, मंदिर के सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, हम पढ़ते हैं तो जातिवाद खून खोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता। हमारे देश के सभी टॉप यूनिवर्सिटीज के लड़के विद्यार्थी विद्यार्थिनी सब लड़ रहे हैं, JNU, जामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और जो बच्चे लड़ रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको एक स्ट्रक्चरल वायलेंस का शिकार होना पड़ रहा है। जैसे कि रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा, वो सुसाइड नहीं है, वो एक मर्डर है, जो ये व्यवस्था का मर्डर है, ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है। और ये सब, ये जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, ये हम लोगों ने समझ लेना चाहिए कि क्यों रोहित को सुसाइड करने को ये व्यवस्था उकसा रही है। एक दलित फैमिली का, दलित समाज से बिलोंग करने वाला लड़का विद्यापीठ में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके PhD कर रहा है, कुछ सवाल खड़े कर रहा है, तो उसको इस तरीके से उसको सताया जा रहा है कि उसने खुद को हैंग कर लिया, क्या है ये? हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, देश को ही कह के हमको डिटेन किया।
लिटिल इंडिया वालों, जिस देश में बोलने की आजादी नहीं है, लड़ने की आजादी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को सरेआम जलाया जा रहा है, ये देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हमारी माता बहने सीताओं जैसी, हमारी माता बहने सीताओं जैसी, हर घर में ये अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में राम राम मनुबाई राम हल क्या दिलाचा, काय सांगू ग सयानो नाही सीतेचा तोलाचा। तो हर घर में सीता का शोषण हो रहा है, हर घर में सीता को दफनाने का प्लानिंग हर रोज चल रहा है। और कितनी भी इक्वेलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन एक विपर्यास हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 50% हम लोगों को जगह है महिलाओं को, लेकिन घर में जो स्टेटस है वो फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, लेकिन रियल स्टेटस नहीं है, गायब है वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है वो घर में गायब है, और ये एक कंट्रोवर्सी से ये भारत देश की महिलाएं गुजर रही है। हमारी माता बहने सीताओं जैसी, हर घर में ये अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में ये अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में ये अग्नि परीक्षा कैसी। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। अम्बेडकर फुले का हम गीत गाते हैं, अम्बेडकर फुले का हम गीत गाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, भारत के सोशल रिवोल्यूशनरीज हैं, इनके मार्गदर्शन पे अभी देश चल रहा है। सीए का, एनआरसी का आंदोलन हो, किसी भी तरीके का आंदोलन हो, लोग बाबा साहब को हाथ में लेकर, संविधान को हाथ में लेकर रास्ते पे आ रहे हैं। हमारे भारत देश में 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा हो गए, कितने दिनों से किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, लेकिन उसके हाथ में बाबा साहब का फोटो है, उसके हाथ में संविधान है। अम्बेडकर फुले का हम गीत गाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं। जाति विनाश, जाति विनाश, जाति विनाश को ही हम आजादी कहते हैं, जाति विनाश को ही हम इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं।